नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पत्रकार साथी किशन कुमार, ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। जिला पंचायत चुनाव की जानकारी लेकर एक बार फिर मैं आपके बीच हूं और आज हम चर्चा करेंगे क्षेत्र क्रमांक 8 की, जहां जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। वही 5 सवाल जो जनता जानना चाहती हैं, जो आपके सवाल हैं, आखिर किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है क्षेत्र क्रमांक 8 में, इन्हीं सब सवालों का जवाब हम लेते हैं। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं क्षेत्र क्रमांक 8 से चुनाव लड़ रहे संजय नेताम जी। संजय जी, आप क्षेत्र क्रमांक 8 से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का पहला सवाल ये है कि इससे पहले आप विधानसभा का चुनाव लड़े थे, अब आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? अब क्षेत्र की जनता चाहती है कि आप आगे आइए और जिला पंचायत प्रतिनिधित्व करके इस क्षेत्र की आवाज़ बन करके उठें। आज अपने को देखने को मिलता है कि बहुत सारी इस क्षेत्र की समस्याएँ जस की तस बनी हुई है। छोटे छोटे समस्याओं के लिए, छोटे छोटे परेशानी के लिए लोग जूझते रहते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं भटकते रहते हैं। इन सारे चीज़ को देखते हुए जनता मानती है कि आप मैदान पर आइए संजय भाई और आप लड़िए चुनाव। तो जनता के कहने पे और पार्टी आलाकमान चाहती है कि आप आइए मैदान में और जनता का सेवा करने का बेहतर मौका आपको जनता देना चाहती है, तो निश्चित तौर पर आप मैदान में आकर के लड़िए। तो मैं जनता की मांगों के अनुरूप और पार्टी आलाकमान के निर्देश पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। जब भी आप चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग एक साथ मुखर होकर के आपके खिलाफ़ आ जाते हैं, ऐसा क्यों? अब वो तो जनता देख रही है जो बेहतर काम करते हैं, अब विरोधी तो उतने हावी होंगे ही। जनता ने मुझे 2010 से लेकर के 2020 तक के बेहतर और बहुत अच्छा तरीके से स्नेह प्यार दुलार उन सब जनता का बना हुआ है और पार्टी का भी बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है विरोधी हावी होंगे, क्योंकि मैं 2010 में सरपंच का चुनाव लड़ा, जनता का अपार प्रेम स्नेह रहा तो मैं रिकॉर्ड मतों से जीता। मैं 2015 में भी मैं जनपद सदस्य बना, वो जनता का प्यार ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं क्षेत्र के लिए जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरा हूँ, क्षेत्रवासियों के उम्मीदों पर खड़ा उतरा हूँ और क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। और मेरे विरोधी कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। कई विरोधी ऐसे हैं जो कई बाहर जगह बैठ के गोटियाँ खेलते हैं, तो गोटियाँ खेलते रहें, जनता हमारे साथ है और जनता की उम्मीदों पर हमको खड़ा उतरना है। और जनता चाहती है कि आप लड़िए संजय भाई, हम आपके साथ हैं, जनता मेरे साथ में, पार्टी अपने साथ में है। क्या आपका चुनाव चिन्ह है और किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप मैदान में हो? जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 में मेरा चुनाव चिन्ह वो बिजली का बल्ब है और मुद्दे बहुत सारे हैं सर जी। यहाँ पे देखा जाए तो लोगों में एक विश्वास है कि संजय भाई आएंगे जीतकर तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की जो ज्वलन समस्याएँ बनी हुई है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो छोटे छोटे मूल भी समस्या हो, जो लोग आज जूझते रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, उनको ब्लॉकों में जाना पड़ता है, जिला स्तर पर जाना पड़ता है, फिर भी उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे अपने अपने पास मुद्दा बहुत है सर, इस मुद्दा को हम भुनाना चाहते हैं, इस मुद्दा को हम लोग भुना करके जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता के बीच में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता खुद चाहती है कि इस बार हम संजय नेताम को वोट करेंगे, तभी कहीं हमारा ये क्षेत्र जो अंधेरा सा छाया हुआ है तो हम बिजली के बल्ब में मुहर लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास की गति में प्रकाश रहेगा और प्रकाश तेज़ी से बढ़ेगा, ऐसा जनता चाहती है। तो मुद्दा शिक्षा भी है, सड़क भी है, अधोसंरचना का है, ऐसा बहुत सारे मुद्दे हैं सर, तो उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता का जो प्यार है स्नेह बहुत अच्छा मिल रहा है। जनता यदि इस बार आपको मौका देती है तो कौन सी विशेष प्राथमिकताएँ आप क्षेत्र के विकास के लिए आपकी रहेंगी? प्राथमिकता तो ये रहेगी कि जो हम देखने को, हमें अभी जब दौरा कर रहे हैं तो देखने को मिलता है कि कई जगह ऐसे हैं सर जी, सड़कें नहीं बनी अभी तक, कई जगह ऐसे हैं सर जी, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे बरसात के दिनों में बताते हैं लोग कि नदियों को पार करके जाते हैं स्कूल। जैसे यहाँ पे अमली पदर का हम सूखा नदी को देखते हैं, हर साल बाढ़ में आती है तो वहाँ पे बच्चे जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके नदियाँ पार करके स्कूल आते हैं। यही तो हमारे भविष्य हैं, ये हमारे देश के भविष्य है। ये अंधकार जो पिछले जितने जनप्रतिनिधि थे उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ को देखते बड़ा दुख होता है। तो ऐसा सड़क है, पुल पुलियाँ हैं, छोटे छोटे राशन कार्ड, पेंशन, ये सारे चीज़ के लिए जो लोग जूझते हैं, इन मुद्दा को लेकर के हम जा रहे हैं और जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इस मुद्दे को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर जीतते हैं तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र का, जनता का सेवा, इस क्षेत्र के विकास और इस अंचल के विकास में हमारा भरकस प्रयास रहेगा कि जो भी ये समस्याएँ बनी हैं वो समस्याएँ दूर होना चाहिए, ये पहला प्राथमिकता है। आप अपने चुनाव को लेकर जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? आपका ये अंतिम सवाल है। मेरा अपील यही है कि अच्छा को चुने, सच्चा को चुने, कौन आपके बीच में आसानी से आ सकता है, कौन आपके
बीच में आसानी से आकर के आपकी समस्या को सुन सकता है और ये क्षेत्र की समस्या को दूर कर सकता है और विकास की गति को कौन बढ़ा सकता है। तो मैं जनता से मेरा एक ही अपील है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी आइए और बिजली के बल्ब में मुहर लगा करके प्रचंड बहुमत से आपके बेटा संजय नेताम को, आपके दोस्त संजय नेताम को यहाँ का सेवक बना करके भेजें, यहाँ का बेटा बना करके भेजें। निश्चित तौर पर आपका बेटा पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेगी, यही मेरा जनता से अपील है। ये थे संजय नेताम, क्षेत्र क्रमांक 8 से जो चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने अपने 5 सवालों का जवाब दिया, जनता के सवाल, आपके सवाल, उनका जवाब उन्होंने दिया। अब आपको मंथन करना है, चिंतन करना है कि उनके सवालों को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।